ब्रेकिंग न्यूज आपसे शेयर करें, वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हाशिम डोगर ने अपना इस्तीफा वजीर आला परवेज इलाही को भेज दिया है। इसकी क्या वजह है, इस पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद है। ख्वाजा नसीर, क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, अगर जो हाशिम डोगर की जानिब से इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भिजवाया गया, उस इस्तीफे के अंदर तो हाशिम डोगर ने इस बात को वाजे किया कि वो बहैसियत सूबाई वजीर दाखिला अपना काम कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनके ऊपर जाती सतह पर कोई मसरूफियात है और इन मसरूफियात को लेकर वो मजीद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे इस काम को। और चीज को सामने रखते उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब को दिया, जबकि पार्टी के जिम्मेदार जराए का यह कहना है कि हाशिम डोगर जो है वो गुज़िश्ता जब वजीर आला पंजाब बरतानिया के दौरे पर थे उस दौरान भी हाशिम डोगर को एक दबाव था कि वो उस तरीके से चीजों को हैंडल करें जिस तरह पार्टी लाइन है। तो हाशिम डोगर इस बारे में मुतअद्दिद बार कह चुके थे कि वो पार्टी लाइन को टो कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से वजीर आला पंजाब के दौरे के दौरान भी उन्होंने ये माइंड मेकअप कर लिया था कि जैसे ही वजीर आला पंजाब वापस तशरीफ लाएंगे तो वो इस्तीफा देंगे। इस वक्त पंजाब की काबीना में से दो अरकान मुस्तफी हो चुके हैं। इसके हाशिम डोगर से पहले सूबाई वजीर माद नियाज जो है उन्होंने भी अपना इस्तीफे का ऐलान किया था कि वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, और आज वजीर दाखिला पंजाब जो है हाशिम डोगर उन्होंने अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया है। जी ठीक है, ख्वाजा नसीर इस हवाले से बता रहे हैं कि वजीर आला पंजाब को अपना इस्तीफा भिजवा दिया है, और ये आप देख भी सकते हैं हमारी फुटेज में कि उन्होंने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर भी किया है।